The problem of being modern. Although they were about imaginary stories, novels often spoke to their readers about the real वर्ल्ड। जहाँ एक तरफ नॉवेल्स जो है वो इमेजिनरी स्टोरीज पर बेस्ड होती थी, पर कई बार जो है रीडर्स को जो है उनको रियल वर्ल्ड के बारे में भी पता चलता था। बट नॉवेल्स डिड नॉट ऑलवेज शो थिंग्स एग्जैक्टली एज दे वर इन रियलिटीज। पर ज्यादातर नॉवेल्स में जो है ऐसे चीजें नहीं दर्शाई जाती थी जैसे कि वो रियलिटी में होती थी। समटाइम्स दे प्रेजेंटेड अ विजन ऑफ हाउ थिंग्स ऑट टू बी। कई बार वो दिखाते थे कि चीजें किस तरह से होनी चाहिए। Social novelists often created heroes and heroines with ideal qualities who their readers could admire and imitate. जो social novelists थे यानी सामाजिक novelists थे, वो ज्यादातर अपने हीरो या हीरोइंस को ऐसी characteristics या qualities के साथ दिखाते थे जिसको कि readers जो है पढ़कर उनसे इंस्पायर होते थे या उनके जैसा बनने की कोशिश करते थे। How were these ideal qualities defined? अब ये ideal qualities दिखाई कैसे जाती थी? In many novels written during the colonial period, the ideal person successfully deal with one of the central dilemmas faced by the colonial subjects. बहुत सारी नॉवेल्स जो कि colonial period में लिखी गई, उसमें जो ideal person था वो कैसे डील करता था या कितने अच्छे तरीके से जो भी colonial subject थे confusion में वो फंस जाता था, उससे वो कैसे निकलता था। How to be modern without rejecting tradition. आप modern भी हो पर आप अपनी सभ्यता को भी नहीं छोड़ रहे। How to accept ideas coming from the West without losing one's identity. आप अपने आइडियाज जो हैं उनको भी क्या कहते हैं जो वेस्टर्न से आ रहे हैं उनको भी चाहते हो, एक्सेप्ट करना चाहते हो, पर अपनी पहचान नहीं खोना चाहते। चंदू मेनन पोर्ट्रेट इंदुलेखा एज अ वुमन ऑफ ब्रेथ टेकिंग ब्यूटी। चंदू मेनन जो है उन्होंने इंदुलेखा को एक इतनी खूबसूरत लेडी दिखाया है कि जैसे लोगों को देखते ही उनकी सांस रुक जाए। हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, आर्टिस्टिक टैलेंट और विद एन एजुकेशन इन इंग्लिश एंड संस्कृत। वो बहुत ज्यादा समझदार लेडी दिखाई गई है, उनमें जो है एक तरह से कलाकार भी है और साथ ही साथ वो इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज में पढ़ी हुई लिखी भी है। माधवन द हीरो ऑफ द नॉवेल। अब माधवन जो हीरो है नॉवेल का वाज आल्सो प्रेजेंटेड इन आइडियल कलर्स। उसको भी जो है काफी अच्छे और आइडियल कलर्स में दिखाया गया है। ही वाज अ मेंबर ऑफ द न्यूली इंग्लिश एजुकेटेड क्लास। वो जो है एक मेंबर था जो कि एक बिल्कुल नई नई इंग्लिश एजुकेटेड क्लास थी नायर्स की यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से। He was also a first-rate Sanskrit scholar. वो सबसे ज़्यादा फर्स्ट रैंकिंग संस्कृत स्कॉलर माने जाते थे। He dressed in Western clothes पहनते थे, but at the same time he kept a long tuft of hair according to the Nayar custom. पर साथ ही साथ उनका जो हेयर था वो या लंबा थे या कहना चाहिए उनके लंबे हेयर्स थे, जैसा कि उनका नायर कस्टम था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने हेयर्स को रखा हुआ था। The heroes and the heroines in most of the novels were people who lived in the modern world. ज्यादातर जो हीरो या हीरोइन थे इन नॉवेल्स के वो लोग थे जो इस मॉडर्न दुनिया में रहते हैं। Thus they were different from the ideal or mythological characters of the early poetic literature of India. इसी वजह से अगर देखा जाए जो पहले के poetic literature थे इंडिया के या mythological characters थे या जो ideal characters थे उनसे ये काफी अलग थे। Under colonial rule, many of the English educated class found new Western ways of living and thinking attractive. कॉलोनियल रूल में बहुत सारे जो इंग्लिश पढ़े लिखे लोग थे या इंग्लिश एजुकेटेड क्लास थे उन्होंने कई ऐसे नए वेस्टर्न वेज ढूंढे रहने के और उनको जो है वो ज्यादा आकर्षित लगते थे। बट दे ऑल्सो फियर्ड दैट द होलसेल अडॉप्शन ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज वुड डिस्ट्रॉय देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। पर उनको साथ साथ ये भी डर था कि अगर हम पूरी तरह से इन वेस्टर्न वैल्यूज को अपना लेंगे तो हमारी जो अपनी सभ्यता है, एक ट्रेडिशनल तरीका है रहने का, वो खत्म हो जाएगा। Characters like Indulekha and Madhavan showed readers how Indian and foreign lifestyles could be brought together in an ideal combination. इसीलिए जो characters थे नॉवेल के इंदुलेखा और माधवन, उन्होंने readers को इस तरह से दर्शाया कि एक Indian और foreign lifestyles को हम एक ideal combination बनाकर साथ में कैसे जी सकते हैं। Pleasures of reading. As elsewhere in the world, in India too, the novel became a popular medium of entertainment among the middle class. जैसे कि वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में हो रहा था, वैसे इंडिया में भी जो है अब नॉवेल एक बहुत पॉपुलर माध्यम बन गया था एंटरटेनमेंट का, खासतौर से मिडिल क्लास में। द सर्कुलेशन ऑफ द प्रिंटेड बुक्स अलाउड पीपल टू अम्यूज देमसेल्फ इन न्यू वेज। अब जिस तरह से प्रिंटेड बुक्स जो है वो सर्कुलेट हो रही थी, उस वजह से जो लोग थे उनको अब अपने आप को एंटरटेन करने के नए नए तरीके मिल रहे थे। Picture books, translation from other languages, popular songs, sometimes composed on contemporary events, stories in newspapers and magazines, all these offered new forms of entertainment. अब बुक्स जिनमें पिक्चर्स बन के आ रही थी, अलग अलग लैंग्वेजेस को में से जो उनको ट्रांसलेट किया जा रहा था, कई बार जो है बहुत फेमस गाने थे जो कि मॉडर्न इवेंट्स पर बेस्ड थे, स्टोरीज थी जो कि न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में आ रही थी, इन सब चीज़ों से अब लोगों को नया एंटरटेनमेंट के साधन मिल रहे थे। Within this new culture of print, novels soon become very immensely popular. अब ये जो नया कल्चर आया था प्रिंटिंग का, इससे जो नॉवेल्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। इन तमिल फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ फ्लड ऑफ पॉपुलर नॉवेल्स इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th century। तमिल में खासतौर से बहुत ज्यादा जो है नॉवेल्स लिखी गई थी 20th century की शुरुआत में। Detectives and mystery novels often had to be printed again and again to meet the demand of the readers. जब detective या mystery पे novels based होती थी, रहस्यमय ये जो होती हैं या जिसमें कोई एक investigation हो रही होती है, ऐसी novels को जो है बार-बार print करा जाता था क्योंकि लोगों जो readers थे उनकी demand बढ़ रही थी। Some of them were reprinted as many as 22 times. कई बार तो उनको लगभग 22 times reprint किया गया क्योंकि लोग जो है ऐसी novels को पढ़ना चाहते थे। The novel also assisted in the spread of silent reading. नॉवेल से क्या हुआ, लोगों ने चुपचाप पढ़ना शुरू किया। We are so used to reading in silence that it is difficult for us to think that this practice was not very common in the past. अब हम लोग जो है चुपचाप किताब को इतना पढ़ने के आदी हो गए थे कि हमारे लिए सोचना भी मुश्किल है कि ये जो है पहले इस तरह की प्रैक्टिस जो है वो कॉमन नहीं थी। As late as the 19th century and perhaps even in the early 20th century, written texts were often read aloud for several people to hear. अगर हम 19th century की एंड की बात करें या स्टार्टिंग की बात करें 20th century की, तो जो लिखा हुआ टेक्स्ट होता था वो काफी जोर से पढ़कर सुनाया जाता था बहुत सारे लोगों को। Sometimes novels were also read in this way, but in general novels encourage reading alone and in silence. कई बार नॉवेल्स भी इसी तरीके से पढ़ी जाती थी, लेकिन ज्यादातर नॉवेल्स ने जो है लोगों को प्रोत्साहित किया कि वो जो है अकेले और चुपचाप पढ़ें। इंडिविजुअल्स सिटिंग एट होम और ट्रैवलिंग इन ट्रेन्स एंजॉय देम। अब जो इंडिविजुअल्स होम में बैठे हैं या ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं वो खासतौर से रीडिंग एंजॉय करते थे। Even in a crowded room, the novel offered a special world of imagination in which the reader could slip and be all alone. अगर आप भीड़ भाड़ वाले कमरे में भी बैठे हैं जहाँ बहुत सारे लोग हैं, तब भी नॉवेल की वजह से आप क्या होगा, एक अपनी ही स्पेशल दुनिया में इमेजिनेशन की खो जाओगे और बिल्कुल अकेले हो जाओगे। इन दिस रीडिंग अ नॉवेल वाज लाइक डे ड्रीमिंग। अगर ऐसा लगता था कि आप नॉवेल पढ़ रहे हो कि आप दिन में जो है सपने देख रहे हो।